अभी 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में लखीमपुर स्थान पर जो हिंसा की घटना घटी उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रदर्शन करने का ये तरीका कतई उचित नहीं है। कम से कम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती का तो लिहाज किया होता। किसानों की अनंत समस्याएं होती हैं, आए दिन तहसीलों पर, जिलों पर, प्रांत केंद्रों पर आंदोलन होते रहते हैं और संवाद के माध्यम से सबका समाधान तत्काल भी हो जाता है, किसी का 2 दिन बाद हो जाता है, लेकिन चलता रहता है। सारी सच्चाई तो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन जो वीडियो सामने आते जा रहे हैं उनको देखने से स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार लाठियों से पीट पीट करके निर्मम हत्या की गई है, ऐसा काम कम से कम किसान तो नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय किसान संघ इस कृत्य की भर्त्सना करता है और अपराधियों तक पहुँचने के लिए निष्पक्ष जाँच की मांग करता है ताकि उनको कठोरतम दंड दिया जा सके। पीड़ित परिवारों के साथ हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। सियासत करने वाले तथाकथित किसानों, किसान नेताओं को ये कृत्य है जिसको देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। हम ये आशंका पहले भी प्रकट करते आ रहे थे कि ये लोग एक दिन गरीब किसानों को मरवाएंगे, जैसा पहले मंदसौर में भी कर चुके हैं। नेता कोई नहीं मरता और गरीब का परिवार बर्बाद हो जाता है। ये तरीके वामपंथी और नक्सली लोगों के तरीके हैं, ये राष्ट्रविरोधी ताकतें हैं। 8 सितंबर को MSP के मुद्दे को लेकर के भारतीय किसान संघ ने भी देशव्यापी आंदोलन का काम किया था। हर जिले के ऊपर धरना और प्रदर्शन के कार्यक्रम थे और उसमें 513 जिला केंद्रों पर 97,000 किसानों ने भाग लिया। बहुत सफल सांकेतिक धरना था। अगला कदम हम पुनः सोच के घोषणा करेंगे, लेकिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना कहीं पर भी सुनने को नहीं मिली। मैं पुनः इस कृत्य की निंदा करते हुए और निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और पीड़ित परिवारों के साथ भारतीय किसान संघ की ओर से संवेदना प्रकट करता हूं। भारत माता की जय।